यूट्यूब पे छाए हुए हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं आजकल इनका नाम है, तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ा सा हम भी शॉर्ट आउट ले लें। और हमारे साथ जो है आज इनके साथ हम इंग्लिश वाला चैलेंज करेंगे। चैलेंज डीडी भाई को ये है कि आप अपनी वाइफ को जो है ना इंग्लिश में प्रपोज करेंगे। इंग्लिश हमें नहीं आती। नहीं कुछ भी, वॉक इंग्लिश, यू कैन व्लॉग इंग्लिश, मतलब आई लव यू इंग्लिश, हाथ पकड़ के गिव मी हैंड माय वाइफ, गिव मी माय यू आर हाथ, गुड गुड गुड। ठीक है, असल में हम इनसे ये वाला चैलेंज क्यों करवा रहे हैं, एक तो इन दोनों के बीच में पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जैसे मैं घर पे आई हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फातिमा वैसे मेरी एक अच्छी बहन की तरह है, दोस्त भी है, बहन भी है, सब कुछ है, तो इससे लड़ेगा तो डीडी भाई फिर हमारा कुछ भी नहीं है, इसके साथ नहीं लड़ाई करना। देखो वीडियो में फिर से वही बोले, हाँ सही बात है, थोड़ी सी गलत फहमियां हो जाती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, तो सुलह कराने का बहुत बड़ा सवाब है, इस तरीके वाली सुलह तो फिर और चार अभी दिल में कुछ भी याद, सब बोल दो इंग्लिश में, मुझे कुछ नहीं आती है। देखो फातिमा भी बोलेगी आई रियली लव यू माई हस्बैंड, लव यू टू माई हस्बैंड, नहीं बोला मनी तो मनी बोलो, मनी ना बोल, सुनेंगे तो हमें पता चलेगा सुना हो गई, बोले कैसे बोलो, आई लव यू हनी, आई लव यू हनी तो माँ की होती है, माय वाइफ इज माय लाइफ, यस गुड गुड, इतना आता था लेकिन हमने इंग्लिश में ट्राई किया, किसी की बातों में नहीं आए, किसी का कुछ भी नहीं सुनो, जो दुनिया बोलती रहे, हमें पता है डीडी भाई और फातिमा जो है आपस में बहुत इनका एक अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हैं, फिर पता नहीं क्यों किसी की बातों में आ जाते हैं।